अस्सलाम वालेकुम, चांद रात बहुत बहुत मुबारक। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और नंबर वन स्टेप ये होता है कि मीठे का अहतमाम किया जाए क्योंकि ये एक मीठी ईद है। शीर कोरमा तो बनता ही है, उसके बगैर तो ईद उल फितर बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। साथ ही साथ मैंने सोचा कि स्वीट्स और कुछ केक्स जो हैं वो बाय किए जाएँ क्योंकि चाय के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में जब गेस्ट आ जाते हैं तो घर के अंदर लाजमी होने चाहिए ये। सेकेंड स्टेप होता है कि हम लड़कियों के जो शशके होते हैं वो ये हैं कि एक न्यू ड्रेस होना चाहिए ईद का, एक नहीं बल्कि तीनों दिन के ड्रेसेस होने चाहिए। और ये मेरे पास एक खूबसूरत ईस्टर्न वेयर है जो मैंने पाकिस्तान से बाय किया था और ब्रांड का नाम है धनक, और यू कैन सी द कलर इज़ अमेजिंग। इस पर जो काम हुआ वह वो बहुत खूबसूरत है। इसका जो दुपट्टा है वो है पिंकिश टी पिंक कलर का जो कि बहुत खूबसूरत है और कलर कॉम्बिनेशन इज़ वेरी नाइस। शीर कोरमा की प्रिपरेशन मैंने रात को ही कर ली थी, चांद रात को, और अभी मैं इसको गार्निश कर रही हूँ बादाम के साथ, काजू के साथ, और इसके ऊपर मैं कोकोनट पाउडर ऐड करूँगी जो कि मेरा फेवरेट है, और फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट ताकि ये सेट हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए, और सुबह फिर हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने शीर कोरमा ईद के लिए ख़ुद प्रिपेयर किया है। उससे पहले मैं ईद हमेशा फैमिली के साथ सेलिब्रेट करती हूँ, तो घर में जो मदर्स होती हैं, जो मेरी मम्मा हैं, हमेशा वही ईद का ब्रेकफास्ट और ईद का मेन्यू सेट कर रही होती हैं। हम सिर्फ उनको हेल्प करते हैं चीज़ें कट करने में, ड्राई फ्रूट कट करने में, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द ईद आल्सो, क्योंकि जो पहली ईदें गुजर चुकी हैं मेरा मेन फोकस होता था कि फेशियल्स हो जाएं, ड्रेस प्रेस हो जाए ईद के लिए, एक्सेसरीज ज्वेलरीज मैच कर लें, शूज़ मैच कर लें और मेहंदियाँ लगवा लें, तो हमारी तो ईद की सारी तैयारियाँ होंगी। इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट तो है ही, लेकिन इसका भी एक अपना मज़ा है। शीर कोरमा बन गया, ड्रेस सेलेक्ट हो गया, तो आप जो है वो सेल्फ पैम्परिंग टाइम स्टार्ट हो गया मेरा। यहाँ पर मैं चूज़ कर रही हूँ कि मैं कौन सा हेयर मास्क यूज़ करूँगी। एक पपाया हेयर मास्क है और दूसरा जो है वो है आर्गन ऑयल हेयर मास्क। सो आई सेलेक्टेड पपाया हेयर मास्क। जहाँ पे हम अपनी स्किन का ख्याल करते हैं तो बालों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। बालों के लिए मैंने पपाया मास्क इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये हाइड्रेट करता है और बालों को सॉफ्ट करता है, एक शाइन लेकर आता है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है और मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए बालों में लगाया। और आखिर में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने एक सिंपल सा डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट किया है। लास्ट ईद पर मैंने काफ़ी फैंसी तरह की मेहंदी लगाई थी जो कि कुछ यूँ है, लेकिन अभी मैं बहुत थक चुकी थी तो मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेकर लगा लिया, बट इट्स ओके, मेहंदी तो लगी है। तो आज है जी ईद का पहला दिन और मेरी तरफ से आप सब लोगों को, तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सो फर्स्ट डे ब्रेकफास्ट में हमारे पास है शीर कोरमा, गुलाब जामुन और साथ जो है वो स्ट्रॉबेरी क्रीम केक है जो कि बहुत मज़े का है। द प्लेटर इज़ रेडी और इन तीनों का जो फ्यूजन है इकट्ठे खाने में, इट्स सो यमी। और एक दफ़ा फिर मीठी ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नाश्ता करने के बाद आई गेट ड्रेस्ड अप और हमने जो है वो सेल्फीज़ बनाई, फ़ोटोशूट किया और घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स शेयर की और साथ ही साथ उनसे बात की फ़ोन पे वीडियो कॉल्स। लेकिन ट्रस्ट मी, ईद का जो मज़ा होता है, जो ईद का एक फ़न होता है, फेस्टिविटी होती है, वो सिर्फ पाकिस्तान में होती है या फिर मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ। जब आप बाहर रह रहे होते हो तो आप उस चीज़ को बहुत फील करते हो। तो आई थिंक अगर आप अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं तो अपने टाइम को भरपूर तरीके से इन्जॉय करें, खुद भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें और इस ईद को एक खूबसूरत तरीके के साथ मनाएं। आज का हमारा लंच मेन्यू जो है उसमें बन रहा है लज़ानिया, बर्गर्स और बिरयानी, प्रॉपर जो ट्रेडिशनल देसी खाने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरमा, नहारी या हलीम वगैरह, वो हम रात को डिनर में खाएंगे क्योंकि हम लोगों की फ्रेंड्स की एक गैदरिंग है। सो प्रॉबेबली वी आर गोना हैव ऑल ट्रेडिशनल फूड देयर।
इस टाइम आई एम मेकिंग लज़ानिया, जो कि ज़्यादा एफर्ट तो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन इसका जो एंड रिज़ल्ट होता है वो बहुत मज़े का होता है। ईद फर्स्ट डे इवनिंग हम लोगों ने बाहर सेलिब्रेट की। एज़ यू कैन सी वेदर बहुत अच्छा है और बाहर एक चहल पहल सी है। यहाँ पे आजकल टूरिज़म की वजह से काफ़ी टूरिस्ट आए हैं फ्रॉम यूके, फ्रॉम डेनमार्क एंड फ्रॉम डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़, तो बहुत मज़ा आ रहा था और इस तरह हमारे दिन का इख्तिताम हुआ। डिनर हम लोगों का जो है वो फ्रेंड्स के साथ था, एक ईद गैदरिंग थी, एक ईद डिनर था, लेकिन मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकी, सो आई कैन नॉट शेयर दोस क्लिप्स विद यू। लेकिन मेरा ईद का फर्स्ट डे चांद रात बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। डू टेल मी हाउ वॉज योर ईद, आपकी ईद कैसी गुजरी, स्पेशली पाकिस्तान में तो लॉकडाउन लगा हुआ है ईद के ड्यूरिंग, सो हाउ वॉज योर ईद। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।